والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب من الله تعالى من المؤمن الضعيف، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ومؤسس في زمانه مسلمان وكر वो मुअज्जज के जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़े कुरान होकर। मुअज्जज सामईन किराम और गुलशन जामिया रौज़तुल तय्यिबात की महफ़िल कलियों, आज हम यौम आज़ादी के मौके पे उन शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने 1957 की जंगे आजादी के अंदर अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश करके इस वतन अजीज से अंग्रेज को भागने के ऊपर मजबूर किया था। परवरदिगार जो कुछ करते हैं और परवरदिगार जो कुछ चाहते हैं ऐन उसकी फितरत के मुताबिक होते हैं। फिर हकीम इलाजा वल हिकमा, हकीम का जो अमल होते हैं कभी वो हिकमत से खाली नहीं हुआ करते हैं। जब इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज ने अपना नापाक कदम रखा था और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश शुरू की, तजारत की गर्ज से वो इस हिंदुस्तान के अंदर आया था और आहिस्ता आहिस्ता वो इस मकान तक पहुंचा जो उसने हिंदुस्तान के इक्तदार को संभाला। और संभालते ही उसने मुसलमानों की शान और शौकत को और उसके वकार को मजबूर करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और खुसूसन औलमाए किराम ने जब इस साजिश को भांप लिया और उन्हें ये समझ आ गया कि अब लग सकता है कि आने वाली हमारी नस्ल के अंदर अब ईमान बाकी नहीं रह सकेगा, ये कुरान और हदीस अब बाकी नहीं रह सकेंगे, और अंग्रेज ने जो चाल चली है इस चाल के जरिए से वो ये चाहता है कि इस हिंदुस्तान से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए और जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके अंदर से ईमान की रमक को खत्म कर दिया जाए। तो उसने कोशिश की कि आप किसी तरह इन मदारिस को खत्म कर दिया जाए और मदारिस में बसने वाले और पढ़ने वाले ईमान वालों को और इन जान फरोशों को खत्म कर दिया जाए। इस अंग्रेज की सबसे पहले जो जंग हुई है 1741 के अंदर हुई है, सिराजी दौला के साथ हुई है। इस जंग के अंदर बहुत से उलमा शहीद हुए हैं और अपनी जानों का नजराना उन्होंने पेश किया है।
लेकिन अपने गद्दारों की वजह से, अपने बेवफाओं की बेवफाई की वजह से आखिरदार सिराजुद्दौला शहादत का जाम पी लेते हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद ये जंग आगे बढ़ती है और जंग आगे बढ़ते हुए इस अंग्रेज की टक्कर मैसूर के एक जांबाज, एक मुजाहिद और एक सिप्पा सालार से होती है, जिसे दुनिया आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। असल नाम इनका टीपू सुल्तान नहीं है, असल नाम है इनका मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आज जो किताबों के अंदर इनकी तस्वीर पेश की जाती है, कतन ये इनकी तस्वीर नहीं है। ये वो मर्द मुजाहिद था जो शरीयत का पाबंद था, सोमो सलात का पाबंद था। मैसूर की जामा मस्जिद को जब इन्होंने तामीर किया और ये ऐलान किया कि असर की नमाज इस मस्जिद के अंदर वही इंसान पढ़ा सकता है जिसकी पूरी जिंदगी के अंदर 5 नमाज कभी कजा ना हुई हो, जब ये ऐलान देखा बड़े बड़े उलमा हैरान और शशकर रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुहद्दिस वहीं रह गए, फकीह वहीं रह गए, मुफस्सिर वहीं रह गए, हर एक ने आपकी जिंदगी को खंगाला और देखा कि मेरी नमाजें तो की कजा नहीं है। ये ऐलान बड़ा सख्त था। थोड़े से अफसर के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जो मैंने ये ऐलान किया था कि आज इस मस्जिद के अंदर इमामत वही कराएगा जिसकी जिंदगी के अंदर 5 नमाज